भरतपुर के नदबई से बड़ी खबर आ रही है। भरतपुर के नदबई में मूर्ति विवाद से जुड़ा मामला है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। विश्वेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की। लोगों से विश्वेंद्र सिंह की अपील रही, इस मामले को जातीय संघर्ष का रूप ना दिया जाए। ये बात उन्होंने कही, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए। विश्वेंद्र सिंह ने लोगों से मांग की है, मांगा 7 से 10 दिन का समय दरअसल उन्होंने मांगा है। विश्वेंद्र सिंह जो है वो बोलते नजर आए कि प्रशासन के रूप में नई सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। विश्वेंद्र सिंह ही सरकार आपकी भावनाओं को सम्मान करेगी। तमाम बड़ी बातें जो है विश्वेंद्र सिंह ने वहाँ पर की, समझाइश की, उसके बाद ये पूरा मामला जाकर शांत हुआ। भरतपुर के नदबई से मूर्ति विवाद से जुड़ा पूरा मामला। देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। देवेंद्र, किस तरीके से मंत्री ने यहाँ पर समझाइश की, उसके बाद मामला शांत हुआ? देखिए, पिछले 3 दिन से नदबई के जो बेलारा चौराहा है वहाँ पर लगातार जाट समाज और पंचायत राज से जुड़े जनप्रति धरना दे रहे थे। पूरा विवाद मूर्ति स्थापनाओं को लेकर है। मूर्ति पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद था। लोगों की भावना थी कि जो वहाँ पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई जाए। नदबई नगर पालिका के द्वारा नदबई कस्बे में 3 प्रमुख चौराहों पर मूर्ति लगाई जा रही थी, लेकिन लोगों को मांग ये थी पहलारा चौराहा जो है वहां पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाई जाए। इसी को लेकर विवाद था। दो पक्ष आमने सामने थे, जातीय संघर्ष की स्थिति थी। इसी पूरे मामले को लेकर विश्वेंद्र सिंह आज वहां पर पहुंचे, लोगों से समझाइश की और विश्वेंद्र सिंह की समझाइश के बाद धरना समाप्त हो गया। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों से कि आपके बीच में आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और इस पूरे मामले को जातीय संघर्ष का रूप ना दिया जाए। 7 से 10 दिन का समय लिया जाए और उसके बाद में नगर पालिका से एक प्रस्ताव लाया जाए जिससे जगह का स्थान दर्शन हो सके और आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। इस तरह की बात विश्वेंद्र सिंह ने कही और विश्वेंद्र सिंह की समझाइश के बाद लोग धरना समाप्त कर अपने अपने घरों को लौट गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।